बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर बी के डब्ल्यू वॉइस के मुआज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम अलैकुम। तुम रहमे के पास चले जाओ। शिफात ने उसे कहा, वो तुम्हें लड़की दे देगा। मैं लड़की को लेकर क्या करूंगा? अली रजा ने कहा, मैंने कसम खाई थी कि उसे खराब करूंगा। अपनी कसम पूरी करके लड़की रहमे के पास ही रहने दूंगा। मुझे यहाँ तक ही मालूम है कि अली रजा रहमे के ठिकाने की तरफ चला गया था। शिफात ने मुझे बताया, उसके बाद ना रहमे से मेरी मुलाकात हुई ना अली रजा से। अगर अली रजा गाँव में होता तो मेरे पास जरूर आता, वो रहमे के फंदे में आ गया है। रहमे ने उसे कत्ल कर दिया होगा। मैंने कहा, मैं कुछ कह नहीं सकता। शिफात ने कहा, वो कहता था कि इसे कत्ल नहीं करूंगा। अंग्रेज इंस्पेक्टर जोजी पर मर मिटा। इस जेली साधु का बयान यहीं पर खत्म हो गया। मेरे लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं था कि मैं उस शख्स के सारे बयान को सही मान लेता। ये जराइम की दुनिया के लोग थे। रहमा बेशक खानदानी डाकू था, लेकिन शिफात अली बड़ा काइया शख्स था। उसकी जबान में ऐसी चाशनी और ऐसा तासुर था कि मुझ जैसा पत्थर भी मुतासर हो गया। अगर शिफात का बयान सही था तो शकूरी रामे के पास थी। अली रजा की गुमशुदगी की भी रिपोर्ट थी। शिफात ने बयान के मुताबिक अली रजा भी रहमे के पास था या उसने उसे कत्ल कर दिया था। रहमे से लड़की वापस लेने के दो तरीके थे। एक यह कि मैं उसे दोस्ताना पैगाम भेजता कि लड़की मुझे दे दो और मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। डाकुओं के साथ पुलिस किसी तरह रابطہ कायम कर लिया करती थी। दूसरा तरीका यह था कि मैं रहमे के ठिकाने पर छापा मारता। उसका मतलब था मुकाबला। इस सूरत में ऐसा होना यकीनी था कि रामा लड़की को कत्ल कर देता। मैं रामे से भीख मांगने के लिए तैयार ना था। अलबत्ता ये सोचा कि डीएसपी से बात करूंगा और उसके हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। उस दौरान एक ऐसा वाकया हो गया कि मैं पुलिस से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया। मैं सुबह शिफात का बयान ले रहा था तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक अंग्रेज इंस्पेक्टर जेड बी एवंस आ गया। वो वर्दी में नहीं था। मैं बयान रोक कर उसे मिला। वो इस इलाके में हिरन और चीतल का शिकार खेलने आया था और डाक बंगले में ठहरा था। वो एक तो ये इतला देने आया था कि वो मेरे इलाके में आया हुआ है, और थाने में उसके आने का दूसरा मकसद ये था कि उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। वो इलाका शिकार का था। अंग्रेज अफसर और राजे महाराजे और नवाब शिकार खेलने के लिए आते रहते थे, इसलिए शिकारियों के साथ जाने वाले आदमी मिल जाते थे। एक ये पेशा बन गया था। मैंने इंस्पेक्टर एवंस से कहा कि मैं किसी तजर्बाकार आदमी को डाक बंगले में भेज दूंगा। मैंने उस लड़की जोजी को थाने बिठाया हुआ था जिसकी उंगली से शकूरी की अंगूठी बरामद हुई थी। मैं सुना चुका हूं कि वो गोरे रंग की बड़ी दिलकश लड़की थी और उसके कद काठ में तो और ज्यादा कशिश थी। चूंकि वो शरीफ लड़की नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे पर, आंखों में और उसकी मुस्कुराहट में गुनाह का तासुर बड़ा साफ था। इस तासुर में कुछ और ही कशिश थी। इंस्पेक्टर एवंस मेरे साथ बातें कर रहा था तो जोजी सामने आ गई। उसे मैंने हिरासत में तो नहीं लिया था, थाने में पाबंद रखा हुआ था। इंस्पेक्टर एवंस ने उसे देखा तो मुझसे पूछा कि ये कौन है और थाने में क्या कर रही है। मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में बताया। मुल्ज़िम तो नहीं, उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया, गवाह है। हो सकता है दानिस्ता तौर पर इस वारदात में मुलव्वस हो। बहुत खूबसूरत लड़की है, उसने कहा। मिस्टर मलिक, तुमने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान की औरतों में जो कशिश है वो हमारी अंग्रेज औरतों में नहीं। उसने हुस्न की बातें शुरू कर दी और जितनी देर जोजी सामने रही वो उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद मैंने एएसआई से, जो पहले एएसआई नारायण की जगह मुझे दे गया था, कहा कि वो इंस्पेक्टर एवंस के लिए किसी तजर्बाकार आदमी का बंदोबस्त करे और उसे डाक बंगले में उसके पास छोड़ आए। मैं फिर जेली साधु शिफात के साथ मसरूफ हो गया। उस दौरान थाने के कई मसले मेरे सामने आए, उनकी तरफ भी तवज्जो दी और दिन गुजर गया। शाम के खाने के लिए मैं घर गया और रात को खाने में आया और फिर शिफात को बिठा लिया। वो बड़ी कार आमद निशानदेही कर रहा था, बड़े अच्छे सुराग दे रहा था। रात के 11 बज चुके थे। मैं कमरे से निकला, अपने आप को जरा ठंडी हवा लगवाना चाहता था। बरामदे से नीचे उतरा तो अहाते के गेट की तरफ से किसी औरत के गाने की आवाज आई। वो किसी सुरताल में नहीं गा रही थी। मैं उस तरफ चला गया। वो बल्ब की रोशनी में आई तो मैंने उसे देखा। वो जोजी थी। उसके कदम डगमगा रहे थे। कदम रखती कहीं और, पड़ता कहीं और था। उसकी आवाज भी डगमगा रही थी, वो नशे में थी। मैं तो यही देखकर हैरान हो गया था कि जोजी को थाने के अंदर होना चाहिए था और वो बाहर से आ रही थी, मगर ये देखकर मैं परेशान हो गया कि जोजी ने सिर्फ कमीज पहन रखी थी और वो बगैर शलवार के थी। मैंने आगे जाकर उसे रोका और गुस्से से पूछा कि वो कहाँ से आ रही है।
अरे हट रास्ते से हिंदुस्तानी थानेदार। उसने नशे से झूमती हुई आवाज में कहा, मैं अंग्रेज अफसर की मैम हूँ, डाक बंगले से आई हूँ। उसने इस कदर पी रखी थी कि बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से ये अल्फाज निकले थे, हट आगे से, मैं अब थाने में नहीं आऊंगी। वो गेट की तरफ मुड़ी। मैंने पीछे से उसके कंधे पकड़े और उसे जोर से अपनी तरफ घुमाकर उससे ज्यादा जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। वो मुझसे 6-7 कदम दूर जा गिरी। मैं चौके थाने में तफ्तीश कर रहा था, इसलिए एक हेड कांस्टेबल और 4-5 कांस्टेबल मेरे साथ जाग रहे थे। वो सब दौड़े आए। जो जी उठ ना सकी, वो नंगी हो गई थी। मेरे कहने पर एक कांस्टेबल चादर उठा लाया, जो उस पर डाली और उसे उठाकर अंदर ले गए। ये बाहर किस तरह चली गई थी, मैंने अपने आदमियों से पूछा, क्या तुम सब सो गए थे? इसे स्वामी जी अपने साथ ले गए थे, हेड कांस्टेबल ने कहा। स्वामी मेरा नया ASI था, मुझे आग लग गई। उसकी ये जुरत के थाने से एक शामिल तफ्तीश लड़की को अपने घर ले गया था। अपने घर नहीं मलिक साहब, हेड कांस्टेबल ने कहा। इसे स्वामी जी डाक बंगले में उस गोरे इंस्पेक्टर के पास ले गए थे जो दिन को यहाँ आया था। मुझे याद आया कि इंस्पेक्टर एवंस जोजी की खूबसूरती से बहुत मुतासर हुआ था और उसको देखता रहा। मुझे बताया गया कि ASI उस वक्त थाने में से जोजी को साथ ले गया था जब मैं अंदर शफात के साथ मसरूफ था। मैंने हेड कांस्टेबल से पूछा कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं। हेड कांस्टेबल के पास झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं थी। उसने साफ बता दिया कि ASI ने उसे कहा था कि अंग्रेज इंस्पेक्टर ने उसे कहा है कि उस लड़की को वो रात को उसके पास डाक बंगले में छोड़ जाए और वो उसे थोड़ी देर बाद वापस भेज देगा। ASI ने हेड कांस्टेबल से ये भी कहा था कि इंस्पेक्टर एवंस इन्हें इस थाने से हटाकर तरक्कियां दिलाएगा। ASI स्वामी को मैंने ही कहा था कि इंस्पेक्टर एवंस को शिकार पर साथ ले जाने के लिए एक आदमी का बंदोबस्त कर दे। वो एक आदमी को साथ लेकर डाक बंगले में गया था। उस वक्त इंस्पेक्टर एवंस ने उसे कहा था कि जोजी को रात उसके पास भेज दे। वो अंग्रेज अफसर था, स्वामी ने उसकी फरमाइश को हुक्म समझा। बाद में स्वामी ने मुझे यही बयान दिया था, उसके लिए एक अंग्रेज इंस्पेक्टर की फरमाइश को टालना मुमकिन न था। उस अंग्रेज ने उसे तरक्की का लालच दिया था। स्वामी ने मुझसे इसलिए ना पूछा कि मैं नहीं मानूंगा, मैं वाकई ऐसी बेहुदा बात ना मानता। ASI स्वामी अपने घर चला गया था। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि वो स्वामी को जगा कर ले आए। जोजी बेसुध पड़ी थी और मैं जल भुन रहा था। स्वामी आ गया। मैंने उससे पूछा कि वो जोजी को डाक बंगले में ले गया था। उसकी गुलामाना जहनियत की इंतहा थी कि उसने एक अंग्रेज अफसर की ये मुजरमाना फरमाइश पूरी की। मैंने गुस्से से पागल होकर ये मुजरमाना हरकत की, कहे स्वामी जी को पिछले कमरे में ले गया और उसे पीटना शुरू कर दिया, तो उस वक्त छोड़ा जब उसमें फर्श से उठने की हिम्मत न रही। मुझे ऐसी अथॉरिटी हासिल नहीं थी, लेकिन मैं जाती गुस्सा ठंडा कर रहा था। मैंने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया और शिफात से पूछगछ करने लगा। बाकी रात शिफात के साथ गुजर गई। मैंने उसे गिरफ्तार ना किया, वो अभी मुश्तबा था, उसे थाने में ही रखा। ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। सुबह तलू हुई तो मैंने जोजी को जगाया। नशा उतर चुका था, लेकिन वो परेशान नहीं थी। उसे ये भी याद नहीं था कि वो डाक बंगले से थाने तक किस तरह आई थी। उसे मेरा थप्पड़ भी याद नहीं था। उसने बताया कि छोटा थानेदार उसे डाक बंगले में ले गया था। इंस्पेक्टर एवंस ने उसे खिलाया पिलाया, वो उर्दू बोलता था। उसने जोजी से कहा कि वो उसकी मैम है और उसे वो अपने साथ इंग्लैंड ले जाएगा। जोजी के लिए यही एजाज बहुत बड़ा था कि उसे एक अंग्रेज अफसर ने पसंद किया था। अंग्रेज अफसर ने कुछ देर के लिए उसे अपनी मैम बनाया और उसे खूब शराब पिलाई। साहब बहादुर खुद भी ज्यादा पी गया और सो गया। जोजी नशे में वहां से निकल आई, उसे शलवार पहनने की भी होश नहीं थी। मैं डाक बंगले चला गया। इंस्पेक्टर एवंस शिकार पर जाने के लिए तैयार हो चुका था। मैंने उससे पूछा कि रात को वो लड़की उसके पास आई थी। मेरा मूड देखकर उसने मुझे हुक्म के लहजे में कहा कि मैं उससे कुछ न पूछूं। मैंने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। फर्श पर जोजी की शलवार पड़ी थी, वो शायद उसके बगैर चली गई है। उसने शलवार पांव से मेरी तरफ करते हुए कहा, ये ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं शलवार उठाकर वहाँ से निकल आया। थाने आकर स्वामी, हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबलों और जोजी को साथ लिया और पहली लारी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को रवाना हो गया। वहां पहुंचकर पहले मैं DSP के पास गया, वो अंग्रेज था। उसे बताया कि इंस्पेक्टर एवंस ने ये हरकत की है। उसने स्वामी और जोजी से तस्दीक कराई। खतरा था कि अंग्रेज DSP एक अंग्रेज इंस्पेक्टर के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो उठा और हम सबको SP के पास ले गया। SP ने हम सब के बयान लिए। स्वामी ने मेरे खिलाफ शिकायत की कि मैंने उसे मारा पीटा है। SP ने मुझे एक बार फिर अंदर बुलाया और पूछा कि मैंने इसे मारा पीटा है।
अगर मैं सर्विस में ना होता तो उसे जान से मार डालता। मैंने कहा, मैं ड्यूटी, डिसिप्लिन और कानून को अपना जाति मामला समझा करता हूँ। एसपी ने उसी वक्त हुक्म दे दिया कि सबको लाइन हाजिर करो और इंस्पेक्टर एवंस, जो 5 दिनों की छुट्टी पर था, उसे फौरन वापस बुलाने का हुक्म दिया। मुझे उसने कहा कि मैं वापस जाकर तफ्तीश मुकम्मल करूं। उसके बाद इंक्वायरी हुई और महकमाना कार्रवाई ये हुई कि इंस्पेक्टर एवंस को इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। एएसआई स्वामी को सर्विस से निकाल दिया गया, हेड कांस्टेबल को कांस्टेबल बना दिया गया और कांस्टेबलों को सिर्फ तंबीह की गई। इस कार्रवाई में 10-12 दिन लग गए थे। मैं उसी रोज शाम को वापस आ गया था। थाने में पहुंचा ही था कि शकूरी का मंगेतर आ गया। वो फौज में नायक था। उस वक्त ये फौजी खूबसूरत जवान हुआ करते थे, जिस्म घुटे हुए और चेहरों पर सेहत और तंदुरुस्ती की चमक होती थी। ये शख्स भी दराज कद और पुरकशिश चेहरे वाला था। उसका नाम जुबैर था। लड़की का कुछ पता चला, उसने रोब से मुझसे पूछा और अपना तारुफ कराया। मैं उसका मंगेतर हूँ, नायक जुबैर अहमद। कुछ सुराग तो मिला है? मैंने कहा, लड़की मिल जाएगी। सुना था तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है। आपने ठीक सुना है, उसने कहा, मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा जो किसी के साथ चली गई है। फिर तुम उसके मुतालिक क्यों पूछ रहे हो? मैंने पूछा, खून का रिश्ता है? नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं इसे ढूंढूंगा, वो मेरी मंगेतर थी। अगर वो मुझे लात मार कर किसी और के साथ चली गई है तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, उसे कत्ल करूंगा। अगर उसे जबरदस्ती अगवा किया गया है तो मैं अगवा करने वालों को कत्ल कर दूंगा। जाने दो मेरे दोस्त, मैंने कहा, क्यों फांसी चढ़ने का बंदोबस्त कर रहे हो? मुझे मेरे दोस्तों ने रेजिमेंट में और गांव में भी ताने दिए हैं कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हें छोड़कर अपनी पसंद के किसी जवान के साथ चली गई है। मैं फौजी हूँ और खानदानी आदमी हूँ, मैं बेगैरत नहीं। आजकल की तहजीब के लोग इस शख्स के जज्बात और इरादों को नहीं समझ सकते। देहात के लोग समझते हैं। उस जमाने में तो गैरत पर लोग मर मिटते थे, कत्ल करते और कत्ल होते थे। ये शख्स देहाती भी था, फौजी भी। अंग्रेजों के दौर में फौजियों को फौजी बेवकूफ कहा जाता था। जुबैर इन्हीं फौजियों में से था। उसका इरादा पक्का था। मैंने सोचा कि लड़की उसके सामने आ गई तो ये शख्स उसे वाकई कत्ल कर देगा। ये सोचकर मैंने उसे बताया कि शकूरी को किस तरह घर से निकाला गया है और शकूरी नेक और पाक लड़की है। मैं आपसे वादा करता हूँ, उसने कहा, अगर वो वाकई नेक और पाक है तो मेरे घर वाले माने या ना माने, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, लेकिन उसे अगवा करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। मैं किस तरह यकीन कर सकता हूँ कि वो नेक लड़की है? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैंने कहा, लेकिन थाने में कोई गलत हरकत न करना, लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा, उसने कहा, मैं कोई हरकत करूंगा तो भागूंगा नहीं। आपको परेशानी नहीं होगी, आपके पास आ जाऊंगा और कहूंगा मुझे गिरफ्तार कर लो। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि मैं उस शख्स के आगे उसकी मंगेतर की सफाई पेश करता या उसे अपनी तफ्तीश की तफसील सुनाता। मैं दरअसल लड़की को तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये यकीन नहीं था कि राह में राहजन के पास लड़की पाक रही होगी। मैंने शफात को बुलाया और उसे साधु जाहिर किया। वो साधुओं के बहरूप में था। मैंने उसे कहा कि वो इस शख्स को बताए कि लड़की कहाँ है। राह में राहजन के पास शफात ने सिर्फ इतना कहा, मैंने शफात को बताया कि जुबैर शकूरी का मंगेतर था, लेकिन उसके माँ बाप ने शकूरी को बदचलन समझकर मंगनी तोड़ दी है और अब जुबैर उसे कत्ल करना चाहता है। शफात ने मेरे कहने पर उसे साफ साफ बता दिया कि शकूरी को घर से किस तरह निकाला गया और रामे के पास वो किस तरह पहुंची है। जुबैर का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं उस डाकू से लड़की को छुड़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं छापा मारने की सोच रहा हूं, लेकिन वो लोग लड़की को कत्ल कर देंगे। उसने शिफात से रहमे के ठिकाना मालूम कर लिया और उठ खड़ा हुआ। देख काफिर के बच्चे, उसने शिफात से कहा, जिंदा रहना है तो इतनी दूर निकल जाओ जहां मैं ना पहुंच सकूं। उसे मैं सजा दिलाऊंगा भाई, मैंने कहा। फिर इसे सारी उम्र जेल में ही रखना, नायक जुबैर ने कहा। बाहर आएगा और मारा जाएगा। अली रजा की जिंदगी भी पूरी हो गई है। वो फौजियों की तरह चलता कमरे से निकल गया। तब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मेरे दिमाग में लड़की की इज्जत और जिंदगी समाई हुई थी। इसके अलावा मेरा दिमाग थक गया था, मुझसे अब हमाकतें हो रही थी। फौजी जवान की रग फड़की। मैं इस इतलाक की तवक्को लिए हुए था कि ये शख्स नायक जुबैर अहमद लापता हो गया है। मुझे ऐसे नजर आ रहा था कि ये फौजी फौजियों वाली रिवायती बेवकूफ़ी करेगा और रहमे के पास जा पहुंचेगा और उस पर भी रोब झाड़ेगा, फिर रहमा उसे गुम कर देगा। वो दिन गुजरा, रात गुजरी और अगला दिन तलू हुआ। मैंने DSP के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली थी। दोपहर का वक्त होगा कि नायक जुबैर आया। मैं लड़की को ले आया हूँ, उसने कहा। कहाँ से? राह में राहजन से, उसने कहा। मैं बहुत हैरान हूँ कि डाकू और राहजन होकर वो दूसरों की इज्जत और गैरत को समझता है। वो मालूम नहीं कितना हैरान था। मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि रामे ने इसे इतनी खूबसूरत लड़की दे दी है।
उसने मुझे सुनाया कि वो रामे के घर पहुंच गया और रामा उसे मिल गया। जुबैर अपने साथ एक खंजर ले गया था। उसने रामे को बताया कि वो कौन है और क्यों आया है। रामा ने उसे कहा कि लड़की को अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो यहाँ से जाती नहीं। जुबैर ने बड़े रोब से कहा कि वो रामे को भी और लड़की को भी कत्ल कर देगा। रामे ने उसे बताया कि लड़की नेक और बिल्कुल साफ है और उसे रामे ने अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। तुम झूठ बोलते हो, जुबैर ने कहा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले फौजी जवान, रामे ने उसे कहा। तुम्हें अभी मालूम नहीं कि तुम कहाँ बैठे हो। यहाँ अंग्रेजों की नहीं मेरी बादशाही है। तुम्हारी बोटी बोटी गायब कर दी जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुमसे डरकर और अपनी और लड़की की सफाई पेश कर रहा हूँ। जा अपनी पूरी पलटन ले आ, तुझे लड़की नहीं मिलेगी और मैं गायब हो जाऊंगा। पुलिस को ले आ और लड़की को ले जा। कर हिम्मत बेवकूफ इंसान, मैं मर्द हूँ और मर्द की इज्जत और गैरत को समझता हूँ। तेरी मंगेतर मोतियों की तरह साफ है। जुबैर ठंडा पड़ गया। तब रामे ने उसे बताया कि लड़की किस तरह उसके पास पहुंची है। उसने देखा कि लड़की मासूम और इबादत गुजार है, तो उसने लड़की से कहा कि चल तुझे तेरे घर छोड़ आऊं। लेकिन 2-3 दिन देर हो गई। रामे ने एक रोज लड़की से कहा कि आज वो उसे उसके बाप के हवाले करने जाएगा, मगर लड़की ने इनकार कर दिया। कहने लगी कि वो गाँव में किस मुँह से जाएगी, कौन मानेगा कि उसे किसी और ही असर से घर से निकाला गया है। सब उसे बदचलन कहेंगे, उसकी मंगनी टूट चुकी होगी, बदनामी के सदमे से उसका बाप मर जाएगा, वो नहीं जाएगी, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे, कोई खानदान उसका रिश्ता कबूल नहीं करेगा। रामे ने लड़की को अपनी बीवी के हवाले कर दिया। उसने जुबैर से कहा कि उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं, वो लड़कियों को बेचने का कारोबार भी नहीं करता। वो शकूरी को अपने पास रखने पर आमादा नहीं था, लेकिन लड़की वहाँ से नहीं निकलती थी। कहती थी कि मुझे मार डालो या यहीं पड़ी रहने दो। रामे ने किसी को आवाज दी, एक आदमी दौड़ आया। रामे ने उसे कहा कि इस लड़की को मेरे पास भेज दो। 2-4 मिनट बाद शकूरी कमरे में दाखिल हुई, जुबैर को देखकर झिंप गई। रामे ने उसे कहा कि जुबैर उसे लेने आया है। मुझे ले जाकर क्या करोगे, शकूरी ने कांपती हुई आवाज में कहा। कौन मानेगा कि मैं बेगुनाह और मासूम हूँ। शकूरी बेटी, रामे ने कहा, इसे बताओ कि तुम्हें यहाँ किस तरह रखा गया है और तुम यहाँ से क्यों नहीं जाती थी। शकूरी ने तफसील से बताया। मेरी सुन फौजी भाई, रामे ने जुबैर से कहा, मैं डाकू हूँ, इसलिए मेरी हर बात को तुम मिट्टी में मिला दोगे, लेकिन मैं इंसान भी हूँ। मैंने दुनिया के वो रंग देखे हैं जो तुमने कभी ख्वाब में भी ना देखे होंगे, ना कभी देखोगे। तुमने पहले कभी सुना था कि एक लड़की पर एक आदमी ने एक मील दूर बैठकर ऐसा असर डाला कि वो अपने पाँव पर चलकर उसके पास पहुँच गई। लेकिन खुदा की ताकत सबसे बड़ी है। ये लड़की कहती है कि ये अल्लाह रसूल और कुरान पाक के सिवा किसी को नहीं मानती थी। ये यहाँ भी नमाज पढ़ती रही है। इस पर काले जादू का असर तो हुआ, लेकिन अल्लाह के कलाम का असर कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह ने सबब बनाया, ये साधु के पास आई। अल्लाह ने एक और आदमी को भेज दिया, वो उसे ले गया। फिर अल्लाह ने 4 आदमी भेजे और लड़की यहाँ आ गई। अगर ये अपनी मर्जी से आई होती तो आज ये मेरी दास्ता होती, लेकिन ये होश में आ गई और मुझे पता चल गया कि ये किस तरह आई है। मैंने इस आदमी को भगा दिया और ये अमानत रख ली। मैं समझ गया कि इस लड़की का इल्म कामिल है, इस पर जादू चल सकता है, इसे जादू नुकसान नहीं दे सकता। जुबैर ने मुझे बताया कि रहमे को वो सिर्फ डाकू समझता था, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। शकूरी के आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें ये भी बता दूं, रहमे ने जुबैर से कहा, जिस साधु ने इस पर अपना जादू चलाया है वो अपने ही जादू का शिकार होगा। वो इस अमल को सही तरीके से नहीं कर सका, वो आगे का सबक जानता ही नहीं, वो बहुत बुरी मौत मरेगा। मैंने ऐसे वाकयात पहले भी देखे हैं, मुझे मालूम है वो इस वक्त कहाँ है। उस पर अपने ही जादू का उल्टा असर हो चुका है, उस असर ने उसे थानेदार के कदमों में बिठा दिया है। तुम लड़की को घर क्यों नहीं छोड़ गए, जुबैर ने पूछा। जबरदस्ती ले आते, अंग्रेजों के राशन और वर्दी ने तुम्हारी अक्ल मार दी है, रामे ने कहा। मैं लड़की को बदनामी से बचाने की सोचता रहा, अगर मैं इसे जबरदस्ती उठाकर रात को तुम्हारे गाँव छोड़ आता तो सारा गाँव कहता कि खुद गई थी खुद आई है। मैं इसे नंबरदार के हवाले कर आता और 100-100 कस्में खाता कि इसे मैंने बहन और बेटी बना रखा था, तो सब कहते कि डाकू के साथ इतने दिन गुजार आई है। अब मैं सोच रहा था कि तुम्हारे थानेदार को पैगाम भेजूं कि लड़की को ले जाए, लेकिन पता चला कि थानेदार नया आया है, उसे मैं नहीं जानता। अल्लाह ने लड़की पर करम किया है कि तुम आ गए हो। अगर तुम वाकई गैरत वाले मर्द हो तो इसे ले जाओ और इसके साथ शादी करो, गाँव वालों के मुँह बंद कर दो। मैं इसे ले जाऊंगा, जुबैर ने कहा, और सारी दुनिया से कहलाऊंगा कि जुबैर खानदानी मर्द है। फौजी जवान की दूसरी रग फड़क उठी। उसने ललकार कर कहा कि मंगनी टूट चुकी है, लेकिन ये मेरी मंगेतर है, मैं इसके साथ शादी करूंगा, खास जमाना मेरे खिलाफ हो जाए। लेकिन 2 खून मेरे हाथ पर लिख दिए गए हैं, उसने कहा, एक साधु का और दूसरा अली रजा का खून।
रहमा हंस पड़ा और उठ खड़ा हुआ, जुबैर और शकूरी से कहने लगा कि मेरे साथ आओ। वो उन्हें एक कमरे से गुजार कर एक और कमरे के दरवाजे पर रुका। वो देहाती तर्ज का कच्चा मकान था और ये रहमे का आरजी ठिकाना था। उसने दरवाजा खोला, ये कोठड़ी थी जो नीम तारीख थी।